ये है विक्रमपुर गांव के जमींदार विक्रम प्रताप। अकेले ही धन धानी से संपन्न और प्रजाभीन से सुखी है। उन्हीं के खेत में एक किसान काम करता है जिसका नाम है मदन। मदन बहुत ही सरल और कर्मठ है। मदन तुम मन से काम करो, मैं जा रहा हूँ। शाम को तुम अपनी मेहनत का पैसा लेकर जाना, ठीक है? अच्छा मालिक। अरे अरे अरे, ये क्या, ये कैसी आवाज है? एक मिनट, रुक। ये क्या है? ये तो कोई तांबे की प्लेट लगती है। इसमें कुछ नक्शा जैसा बना हुआ है। चलो, जमींदार साहब का होगा, उन्हीं को जाके दिखाता हूँ। ये जमीन उनकी है तो यहाँ पर पड़ा हुआ सामान भी उनका ही होगा। मालिक। अरे, क्या हुआ मदन, तुम इतने हाँप क्यों रहे हो और तुम अपने हाथों में क्या लिए हो? आपको तो दिखाने के लिए लाया हूँ। अच्छा, दिखाओ। देखिए मालिक, इसके ऊपर कुछ नक्शा किया गया है। जब मैं हल चला रहा था तब ये मुझे मिला। आपके जमीन में मिला ना, इसलिए मैं यहाँ लेके आया। आप जरा देखिए, है क्या? ठीक है, बहुत अच्छा किया है। अरे वाह मदन, तुम क्या चीज लेकर आए हो मदन? उफ, मैं तो खुश हो गया। तूने तो मुझे गुप्त धन का संदेश दिया है। हाँ, गुप्त धन का नक्शा। इसमें क्या गुप्त धन के ठिकाने का नक्शा है क्या? हाँ मदन, हाँ, हमारे पूर्वजों ने इस धन को बहुत पहले छुपाया था। मैं बहुत दिनों से इस खोज में लगा हुआ था लेकिन मिला ही नहीं। आज मैं तुझे 10 मोहर उपहार में देता हूँ, ये ले। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है मालिक, आप इसको संभाल के रखिएगा, खोने मत दीजिएगा, एकदम संभाल के। ये तुमने बहुत सही बात बोली है मदन। मदन, तुम क्या एक काम कर पाओगे? हाँ बोलिए ना मालिक, बोलिए। तुम्हारे घर के पास ही तो चित्रकार श्रीकांत रहते हैं ना? हाँ मालिक, मेरा घर छोड़ के 2-3 घर के बाद ही रहता है। तू मेरे घर से भेज देना, ठीक है? आज ही शाम को आने बोलना। ठीक है मालिक, जब मैं घर पहुँचूंगा तो उनको बताते हुए जाऊंगा। गांव के जमींदार को नक्शा मिलने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और ये खबर मुंह मुंह से फैलते हुए पहुंचती है उस गांव के मुखिया जी के पास। अच्छा, तो ये बात है, जमींदार अपने गुप्त धन से ऐश कर रहा है, याशी कर रहा है और तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहा है ना? ये तो मैं होने नहीं दूंगा। तब आप क्या करेंगे सरपंच जी? जमींदार साहब तो बहुत ही ऊंचे और बड़े इंसान हैं। जमींदार साहब तो बहुत ही ताकतवर है, उनके यहाँ से नक्शा लाना मतलब शेर के मुँह से मांस छीनने जैसा है। जमींदार शेर है तो मैं बाज। तुम देखते रहना, मैं उसे अच्छे से मजा चखा दूंगा। तुम देखते रहना। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। कौन है? ओह, बिल्ली। अगले दिन सुबह से ही जमींदार के घर में हलचल सी मच जाती है। रात को ही जमींदार के गुप्त धन का नक्शा चोरी हो गया होता है। जमींदार सभी दास दासियों को बुलाते हैं। हम मेहनत करके खाते हैं मालिक, हम चोरी नहीं कर सकते हैं, हम चोरी नहीं किया हूँ। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। किंतु सवाल ये है कि चोरी किसने किया? मेरा कहाँ क्या रहता है वो 2-3 लोग के अलावा कोई नहीं जानता। सुनिए जमींदार साहब, जो गया सो गया, उसके लिए दुख करके क्या फायदा। आप चिंता मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बाबू, कल रात से मुझे मुखिया जी मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है वो। मैंने हर जगह उन्हें ढूंढा पर वो कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मैं थक चुका हूँ,
ये क्या हो गया? यही तो वो एक गुफा है जहां पर जमींदार के परिवार द्वारा खजाना छुपाया गया है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत घना अंधेरा है। तुम लोग अभी यहां से जाओ, मुझे थोड़ा इस बारे में सोचने दो। अरे बाप रे बाप, इतना सोना है। अब ये सोने से मैं बहुत बड़ा धनवान आदमी बन जाऊंगा। अब मैं जमींदार से भी अमीर हो जाऊंगा। समझ नहीं पा रहा हूँ। इधर मुखिया जी नहीं है और उधर रात को ही गुप्तधन का नक्शा चोरी हो गया। ये दोनों घटना कहीं से क्या जुड़ी हुई है? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? लगता है ये गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया है। अब मैं क्या करूंगा? कहीं मैं यहीं पड़ा पड़ा मर ना जाऊं, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? ऊपर वाले, यहीं मर जाऊंगा। पांच दिन बीत गए लेकिन अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। पूरा गांव खोज लिया लेकिन मुखिया जी का कहीं पता नहीं चला। क्या करूं? इतना मत सोचिए जमींदार साहब, आपकी उम्र हो रही है ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चिंता तो मुझे करना ही पड़ेगा ना मुंशी जी। आप एक काम कीजिए, दोनों लठैत और मदन को मेरे पास भेजिए। उन सबको बुला के क्या फायदा जमींदार साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम दोनों को ही मेरे साथ उस सोने का गुफा ढूंढने जाना होगा। मैंने तो सुना था जमींदार साहब कि जो नक्शा मैंने आपको दिया था तांबे का, वो आपने खो दिया है। फिर हमें गुफा का कैसे पता चलेगा? अरे सुनो, चोर अगर डाल डाल चलता है तो मैं चलता हूँ पात पात। ये संदेह तो मुझे शुरू में ही हो गया था, इसीलिए मैंने उस चित्रकार को बुलाकर ये नक्शा बनवा लिया था। ये देखो। सच में मानना पड़ेगा मालिक, आप पे बहुत दिमाग है। मुझे लगता है गांव के मुखिया जी उस सोने की गुफा को खोजने के लिए ही गए हैं, क्योंकि जिस दिन से मेरे घर से वो नक्शा चोरी हुआ है उस दिन के बाद से ही मुखिया जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दो चार हो रहा है। हाँ, जैसे ही हम गुफा में जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो, अब देर नहीं करते हैं। ना ही कुछ खाने को है और ना ही कुछ पीने को। बाबूजी, हम लोग तो कब से चल रहे हैं लेकिन ये रास्ता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मेरा शरीर अब थकने लगा है। मदन, मैं थोड़ा आराम करूंगा। मालिक, एक काम करिए, आप पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लीजिए। हमें दिन के उजाले में ही पहुंचना होगा, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। ठीक ही बोल रहे हो, जंगल है, रात के अंधेरे में सांप और कीड़े मकोड़े कुछ भी निकल सकते हैं। तुम लोग सावधानी से गुफा की तरफ जाओ, मैं घर लौटता हूँ। सुनो तो जरा, गुफा के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। नानाज कतना। लेकिन गुफा का मुंह तो पत्थर से बंद है। अब क्या करें हम? चलो एक काम करो, औजार निकालो, अब हमें पत्थर तोड़ना होगा। नानाज कतना। मैं पीने के लिए।
जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा। अरे बाबा, कितना सोना, कितनी मोहर। अरे सोना वोना छोड़ो, वो देखो हमारे सरपंच बिना पानी से कैसे तड़प रहे हैं। जल्दी से पानी लेके आओ उनके लिए, जल्दी लाओ। जमींदार साहब ने हमें यहाँ भेजा है, उन्हें पता था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। मुझे माफ कर दो। आपको माफ तो जमींदार साहब ही करेंगे, चलिए हमारे साथ। तुम कुछ सोने की मोहरे अपने साथ ले लो, ये जाकर हम जमींदार साहब को दिखाएंगे। ये लीजिए बाबू, ये है वो सोने की मोहर जिसे चोरी करने के लिए मुखिया जी उस गुफा में गए थे और वहीं फंस गए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जमींदार साहब, मैं सोने की लालच में आकर वहाँ गया और गुफा में फंस गया, मुझे माफ कर दीजिए। वो तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, मैंने तो इस गुप्त धन के नक्शे वाली बात किसी को नहीं बताई, सच्ची किसी को नहीं बताई मैंने, तो फिर तुम्हें ये सब बात किसने बता दी? तुम्हारे हाथ में वो गुप्त धन का नक्शा किसने दे दिया? मतलब असल में ये जो है वो दाढ़ी में ही तिनका मुंशी जी आप। छी, मेरा ही खाते हो, मेरा ही पहनते हो और मेरा ही बर्बादी चाहते हो। लठैत, इसका बढ़िया से पिटाई करो और इसका सर मुंडवा के पूरे गांव में घुमाना। माने मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो। हा।